आज हम बनाएंगे जी नीम से बहुत अच्छा फेस पैक, जिसके लगाने से हम अपनी बहुत सारी स्किन की प्रॉब्लम जो है ना वो ख़त्म कर सकते हैं। ये बहुत ही इजी सी रेमेडी है, आप लोगों ने इसको ज़रूर वॉच करना है। इसके इस्तेमाल से आपकी स्किन के ऊपर जो भी एक्नी है, एक्नी स्कॉट हैं, एक्नी मार्क हैं, या एक्नी के जो है ना बहुत ज़्यादा एक्नी पीप वाली आ चुकी है, आप लोग बहुत परेशान हैं अपनी स्किन की वजह से, अपनी स्किन केयर जो है ना आपसे नहीं हो पा रही, तो आप लोग ने ये जो फेस पैक मैंने बनाया है इसको आपने ज़रूर अपने फेस के ऊपर अप्लाई करना है वीक में 2 दफ़ा। इसके इस्तेमाल से आपकी एक्नी दूर भाग जाएगी, आपकी स्किन के ऊपर जितनी भी एक्नी है, पिंपल वाली है या आपके स्किन के ऊपर जो है ना छोटी छोटी सी एक्नी है जो भी है, या ऑयली स्किन है, वो सारी जो है ना ख़त्म हो जाएगी। और इसके इस्तेमाल से आपकी स्किन शाइन करेगी, ग्लो करेगी, और आपकी स्किन के ऊपर जो भी एक्नी के जो मार्क हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे, और जी आपकी स्किन जो है ना बस दिन ब दिन जो है ना वो ग्लो करती जाएगी। तो वीडियो को शुरू करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। तो जी शुरू करते हैं वीडियो को। यहाँ पे जी मैंने एक लिया है क्लीन बॉल, इसको जो है ना मैंने बिल्कुल ड्राई रखा है। तो अभी जो है ना आपने क्या करना है, 1 टेबल स्पून भर के, मैंने टू टी स्पून इसमें ऐड किया, 1 टेबल स्पून भर के आपने डाल देना है जी ये नीम का पाउडर। ये आप घर में भी बना सकते हैं, नीम के पत्ते लगा के इनको ड्राई करके इसको जो है ना आप मिक्सी जार में डाल के ना पाउडर बना लीजिएगा। तो यहाँ पे जी ये देखें, मैंने 1 टेबलस्पून भर के जो है ना इसमें डाल दिया है बेसन का। ये दोनों चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है जो। और अब क्या करना है जी, हमने इसमें नेक्स्ट इंग्रेडिएंट डाल देना है जी लेमन जूस। अगर आपकी स्किन जो है ना वो ऑयली है तो आपने लेमन जूस डाल देना है, अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपने जी दही का यूज़ करना है। दही 1 टेबलस्पून भर के आपने डाल देना है। यहाँ पर जी मैंने 1/2 टीस्पून लेमन जूस का इसमें ऐड कर दिया है। अब हमने इसमें डाल देना है जी 1 टीस्पून भर के जो है ना हनी का। हाँ जी, ये मैंने शहद जो है ना वो असल जो होती है ना रियल शहद, वो मैंने इसमें ऐड कर दी है। तो अब हमने इसमें ऐड कर देना है रोज़ वाटर। रोज़ वाटर डाल के हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। उतना हमने रोज़ वाटर ऐड करना है कि हमारा फेस पैक जो है ना अच्छे से बन जाए। यहाँ पर ये देखें जी, बिल्कुल अच्छे से हमारा फेस पैक बन के तैयार हो गया है। अब हमने क्या करना है जी, अपने फेस को अच्छे से जो है ना ठंडे पानी के साथ 2-3 दफ़ा अपने अच्छे से अपने फेस को क्लीन करना है, वॉश करना है। वॉश करके तो आपने अपने फेस के ऊपर ये जो पैक हमने बनाया है इसको लगा लेना है। मैं अपने हैंड के ऊपर लगा रही हूँ, आप अपने फेस के ऊपर, नेक के ऊपर, अपने हैंड के ऊपर जो है ना लगा सकते हैं। फेस के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्नी होती है, आप लोग इसको लगाएं, हफ्ते में 2 दफ़ा लगाएं। ये नीम जो होती है ना ये हमारे फेस के लिए, एक्नी के लिए बहुत ही अमेजिंग होती है। इसमें जी एंटी बैक्टेरियल, एंटी फंगल जो है ना वो पाए जाते हैं, और इससे हमारी स्किन के ऊपर एक्नी जो है ना वो बिल्कुल जो है ना ये डीपली क्लीन करता है एक्नी को, और पिंपल जो आ जाते हैं हमारे फेस के ऊपर वो भी ख़त्म कर देता है। इसकी वीडियो जो है ना नीम की एक मैंने पहले भी जो है ना वो अपलोड की हुई है, उसके उसमें मैंने नीम क्रीम बनाने का तरीका बनाया हुआ है, बताया हुआ है, और जी नीम का जो है ना जूस बना के किस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं वो सारा मैंने बनाया हुआ है। आपने इसको लगा के छोड़ देना है 20 मिनट तक। 20 मिनट के बाद आपने अपने मुंह को वॉश करना है थोड़ा सा पानी लगा के ठंडा, तो आपने हल्के हाथ से इसको जो है ना रब करते हुए अपने फेस के ऊपर से रिमूव कर देना है। आप यकीन करें, आप हफ्ते में 2 दफ़ा इसको लगाएं, 3 दफ़ा लगाएं, आपको जो है ना रिज़ल्ट अमेजिंग नज़र आएंगे कि आपके फेस के ऊपर जो भी एक्नी है वो दिन ब दिन आपको लगाने से ख़त्म हो जाएंगी, और एक्नी के जो निशानात हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। ये जो नीम है ये हमारे पीने के लिए, हम पिए इसको तो वो भी हमारी जो ब्लड हमारा जो होता है ना उसमें जो गंदगी होती है या हमारे ब्लड की वजह से हमारे फेस के ऊपर एक्नी आ जाती है वो सारी ख़त्म हो जाती है, अंदरूनी बीमारी जो है ना वो ख़त्म हो जाती है। इसके लिए मैंने एक वीडियो अपलोड की हुई है, आप लोग ज़रूर विज़िट कीजिएगा। नीम के साथ मैंने जो है ना वो बनाई है, तो वो आप लोग देखिएगा। अगर जिसको बहुत ज़्यादा स्किन की प्रॉब्लम है अपने फेस के ऊपर वो जो ना वो रेमेडी ज़रूर यूज़ कीजिएगा। तो यहाँ पे जी मैं इसको वॉश कर रही हूँ ठंडे पानी के साथ, और अभी आपको दिखाती हूँ जी इसका फाइनल टच अपने फेस के जो ना हैंड के ऊपर। ये देखिए मेरे हैंड कितने ब्राइट वाइट हो गए हैं, इसी तरह से आपके फेस के ऊपर भी ये रिज़ल्ट जो है ना वो देंगे। अभी मैं सादे पानी के साथ भी वॉश करके आपको दिखा रही हूँ, ये देखें, इससे आपका कलर भी जो है ना वो ब्राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें बेसन हमने ऐड किया। बेसन से बहुत अच्छी क्लींजिंग होती है, बहुत हमारा कलर जो है ना वो फेयर होता है। मिलती हूँ जी आपको किसी भी अच्छी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।